वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और एक्टर विकी कौशल फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। दोनों स्टार्स पिछले साल रिलीज हुई फिल्म मनमर्जिया में नजर आए थे। हाल ही में दोनों ने इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातों का खुलासा किया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी पन्नू ने मनमर्जिया की शूटिंग के बारे में खुलकर बात की और अपने कई एक्सपीरियंस शेयर किए। फिल्म के बारे में बात करते हुए तापसी ने बताया कि रैप अप पार्टी के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तापसी ने बताया कि जब मनमर्जिया का रैप अप हो रहा था तो उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि उन्हें पूरी तरह नशा हो गया था। तापसी ने कहा, विक्की और मुझे दोनों को काफी नशा हो गया था और हम दोनों गार्डन में लेटे हुए थे और उस दिन मैं वहीं सोना चाहती थी। तापसी की इस बात को आगे बढ़ाते हुए विक्की ने कहा कि वो गार्डन होटल के एरिया में ही था जहां वो शूटिंग के लिए ठहरे हुए थे। हम सब डिनर के लिए वहां जाते थे और घूमते थे। उस रात तापसी नशे में थी और वहीं सोना चाहती थी। मैंने इसको वहां से चलने के लिए मनाने की कोशिश की। मैंने तापसी को कहा कि मैं जा रहा हूँ। बता दें कि साल 2018 में रिलीज हुई मनमर्जियां लव ट्रायंगल पर बनी हुई फिल्म थी जिसमें तापसी विक्की के अलावा एक्टर अभिषेक बच्चन भी थे। फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। वर्क फ्रेंड की बात कर ले तो तापसी जल्द ही फिल्म सांड की आंख में नजर आएंगी। फिल्म में तापसी के साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। वहीं विकी कौशल फिल्म तख्त में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह, करीना कपूर, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर नजर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।